दिल्ली से खबर, जहां कृष्णपाल गुर्जर की आवाज पर अभिनंदन कार्यक्रम और कार्यक्रम में विजय सांपला का अभिनंदन किया गया। विजय सांपला को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का चेयरमैन बनाया गया और इसको लेकर के अभिनंदन कार्यक्रम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कार्यक्रम में पहुंचे और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। तो दिल्ली से इस बीच खबर, जहां कृष्णपाल गुर्जर की आवाज पर अभिनंदन कार्यक्रम इस दौरान किया गया है, जिसमें विजय सांपला का अभिनंदन किया गया है और साथ ही साथ जो एक जिम्मेदारी दी गई है, दरअसल विजय सांपला को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का चेयरमैन बनाया गया है और इसी को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं और हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी इसमें शामिल हुए हैं। दिल्ली स्थित कृष्णपाल गुर्जर की आवाज पर यह कार्यक्रम किया गया है। इस कार्यक्रम को नाम दिया गया अभिनंदन कार्यक्रम और इस कार्यक्रम में विजय सांपला जिनका अभिनंदन किया गया है उनके लिए ही यह कार्यक्रम किया गया है। दरअसल एक अहम और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनको दी गई है, अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय चेयरमैन वो बने हैं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। तो ये स्पीच दिल्ली से बेहद बड़ी और अहम खबर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी हालांकि इस दौरान पहुंचे हैं। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं कृष्णपाल गुर्जर की आवाज की, ये तस्वीरें जहां पर एक कार्यक्रम किया गया जिसका नाम अभिनंदन कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम में विजय सांपला का अभिनंदन किया गया है। राजा पटेल हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। राजा, क्या इस पर जानकारी है अभी? सांपला है, उन्होंने आज ही अपना कहीं ना कहीं पदभार संभाला है। साफ तौर पर राष्ट्रीय चेयरमैन कहीं ना कहीं अनुसूचित जाति का उनको चेयरमैन बनाया है। मैं आपको बता दूं, अभिनंदन समारोह केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर है उनके निवास पर कहीं ना कहीं चल रहा है। वहां पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहीं ना कहीं पहुंचे हैं कार्यक्रम में शिरकत करने। वहीं प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ कार्यक्रम में पहुंचे हैं। गृह मंत्री अनिल विज कार्यक्रम में पहुंचे हैं। वहीं अनुराग ठाकुर जो केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री है वो भी कहीं ना कहीं अभिनंदन समारोह में पहुंचे हैं। प्रोग्राम अभी कहीं ना कहीं जारी है। तमाम जो बड़े नेता है वो कार्यक्रम में मौजूद है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राजा इस पर जानकारी देने के लिए। तो अभिनंदन कार्यक्रम जिसमें हरियाणा बीजेपी के कई बड़े नेता पहुंचे हैं और साथ ही साथ राष्ट्रीय स्तर पर जो जिम्मेदारी इस दौरान विजय सांपला को दी गई है तो उसको लेकर के ये कार्यक्रम किया गया है।